हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैगन का स्लाइस वाला भरता। बहुत इजी रेसिपी है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैगन का फ्राई भरता, इसको भरता भी कहा जाता है, फ्राई भी बोलेंगे। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले इसको कट करते हैं। मैंने लिए दो बैगन, देखिए मैंने इसको गोल शेप में कट किए हैं। ऐसे ही पूरे बैगन को कट कर लेंगे हम लोग। ये जो पीसेस है उसको धो लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसको थोड़ा गर्म होने देती हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डाल देती हूँ गर्म होने के लिए। इसको चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, अब हम लोग डालेंगे ये बैगन का स्लाइस। ये स्लाइस है, उसके ऊपर हम लोग हल्के हल्के से नमक डाल देंगे। इसके ऊपर मिर्ची पाउडर, देख ले ढक देंगे। इसको चमचे से हम पलट देंगे। ढक देंगे। यहाँ भी ऊपर हल्का सा नमक डाल देंगे। मिर्ची, इसको पलट देंगे। हो गया, हम सबको पलट दिए। एक मिनट में ये तैयार हो जाएगा। देखिए बैगन हम लोग का फ्राई हो गया है, देख कितना अच्छा पक गया है। देखो, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप भी करते हैं। चलिए बैगन रखते हैं हम लोग। चलिए इसमें भी नमक डाल देते हैं हम लोग। चाहे तो आप ऊपर से भी हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं। तो ढक देते हैं दो मिनट के लिए। देखिए हमारे सारे बैगन फ्राई हो गए हैं, अब चलिए इसको निकाल देते हैं। ये सारे बैगन हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा से रोस्ट हुए हैं। बैगन फ्राई किए हैं हम लोग, आप भी अपने घर में कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये 5 मिनट रेसिपी है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है तुरंत। अगर सब्जी घर में नहीं है और आपको कुछ फ्राई करना है, तो अगर बैगन है तो आप ऐसा फ्राई कर सकते हैं रोल में कटिंग करके। चलिए आप बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा मेरे रेसिपी, और ट्राई कीजिए अपने घर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको मैं दिखा सकूं। थैंक यू।